क्या दोस्तों आप सिर्फ एक नेम टाइप करके $250 की अर्निंग करना चाहते हैं और सिर्फ एक लोगो डिजाइन करके $100 की अर्निंग? तो आज की इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा क्योंकि आज के इस वीडियो में आपको स्क्वाड हेल्प नाम की एक वेबसाइट है उसका रिव्यू देने वाला हूं। क्योंकि मुझे एक भाई साहब का कमेंट आया था कि भाई स्क्वाड हेल्प नाम की एक वेबसाइट है जहां पे लोगो डिजाइन का कॉन्टेस्ट चलता है, उसमें पार्टिसिपेट करते हैं तो मुझे एक एक लोगों का $100-150 की अर्निंग हो जाती है। इसके अलावा आपको एक नेम टाइपिंग का भी आपको $200-250 की अर्निंग हो जाती है। तो क्या ये ट्रस्टेड है या नहीं? तो सबसे पहले दोस्तों आपको नेम टाइपिंग क्या होता है वो मैं आपको समझा देता हूँ, फिर आपको वेबसाइट पे ले जाके इसमें रजिस्टर कैसे करना है उसके बाद ये बताऊंगा कि ये ट्रस्टेड है या नहीं, आपको कैसे अर्निंग होती है सबको समझाने वाला हूँ। तो नेम टाइपिंग जो जॉब होता है दोस्तों, जैसे बड़े बड़े ब्रांड होते हैं, बड़े बड़े जो वेबसाइट होते हैं या फिर वेब डेवलपर होते हैं, वो लोग क्या करते हैं कि उनको जब भी कोई वेबसाइट बनाना रहता है तो सबसे पहले वो उसका नाम खोजते हैं। तो नाम वो अकेले अगर जो नहीं सोच पाते हैं तो इन जैसी वेबसाइट पे आते हैं और इसमें कॉन्टेस्ट दे देते हैं कि भाई आप मुझे नाम सुटेबल कीजिए और इसके बदले मैं आपको $200 पे करने वाला हूँ। तो यहाँ पे इन्होंने कॉन्टेस्ट दिया और इसके बदले 100-200 लोगों ने जाके इसमें पार्टिसिपेट किया तो 300-400 नाम इनको दे देते हैं और उनमें से जो सबसे अच्छा नाम इनको लगता है वही अपने वेबसाइट का, वही अपने बिजनेस का, वही अपनी कंपनी का नाम ये लोग रख देते हैं। तो सेम फंडा है नेम टाइपिंग का, मतलब हुआ दोस्तों कि आपको वेबसाइट या फिर किसी कंपनी का नाम सजेस्ट करना है और उसी के बदले आपको ये लोग $200-250 का पेमेंट देते हैं। अब चलिए मैं चलता हूं अपने कंप्यूटर के स्क्रीन पे, ये चीज आप अपने मोबाइल फोन से भी कर सकते हैं। इसका मैं पूरा ट्यूटोरियल आपको समझा देता हूं। सबसे पहले आपको अकाउंट कैसे बनाना वो बताऊंगा, उसके बाद आपको इस पे कैसे काम करना वो सब कुछ समझाने वाला। हेलो दोस्तों, मेरा नाम राकेश मौर्य और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल आर एम टेक। तो चलिए मैं चलता हूं अपने कंप्यूटर के स्क्रीन पे और आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस समझा देता हूं। तो दोस्तों मैं आ गया अपने कंप्यूटर के स्क्रीन पे, आपको भी अपने मोबाइल फोन का गूगल ओपन कर लेना है अगर जो आपके पास कंप्यूटर है तो, उसके लिए और भी अच्छा है तो आप यहाँ पे आएंगे सर्च करेंगे squadhelp.com तो आपके सामने ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी और नीचे आएंगे दोस्तों तो नेमिंग कॉन्टेस्ट ऊपर ही दिया है और यहाँ पे कौन कौन सी वेबसाइट इससे अटैच है जो यहाँ से पार्टिकुलर काम करवाती है वो भी दे सकते हैं। वर्ल्ड नंबर वन नेमिंग कॉन्टेस्ट प्लेटफॉर्म है, मतलब दुनिया का सबसे नंबर वन कॉन्टेस्ट प्लेटफॉर्म यह है और यहाँ पे इसकी रेटिंग जो देखेंगे तो 35,000 कस्टमर ने इसको रेटिंग दी है और 4.9 की आउट ऑफ 5 की रेटिंग है, यानी कि बहुत ही जबरदस्त वेबसाइट है। अगर जो आप यहाँ पे काम करते हैं तो आप एक अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे अकाउंट कैसे बनाना है वो समझिए। तो अकाउंट बनाने के लिए सबसे पहले ये जो आपको ऑप्शन दिख रहा है इस पे ले जाना अपना एरो और यहाँ पे साइनअप का ऑप्शन इस पे क्लिक कर देना। साइनअप के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके सामने इस तरह का पेज ओपन होगा। सबसे पहले यहाँ पे आपको फर्स्ट नेम डालना है, लास्ट नेम डालना है, डिस्प्ले नेम डालना है। डिस्प्ले नेम जो है दोस्तों वो मैक्सिमम आपका मतलब मिनिमम आपका 4 कैरेक्टर का होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे एक कंपनी नेम है तो इस पे आप अपना कंपनी नेम का मतलब दोस्तों अपना नाम ही डाल सकते हैं, कंपनी आपके पास नहीं है क्योंकि कंपनी आप लोगों के पास कहाँ होगा, तो आप यहाँ पे अपने सोशल मीडिया अकाउंट का नाम भी डाल सकते हैं या फिर अपना नाम भी डाल दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे जीमेल आईडी डालेंगे, पासवर्ड डालेंगे, पासवर्ड को डाल करके कंफर्म कर देंगे। अब यहाँ पे दो ऑप्शन है, एक ज्वाइन एज ए बायर, उसके बाद दूसरा ज्वाइन एज ए क्रिएटिव एंड मार्केट प्लेस सेलर, ठीक है। तो आप यहाँ पे ये सेकंड वाला ऑप्शन चूज कर लेंगे, फिर यहाँ पे क्रिएट माई अकाउंट का ऑप्शन इस पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके सामने इस तरह का पेज ओपन होगा, यहाँ पे सबसे पहले आपको अपना एड्रेस डालना है। एड्रेस में जैसे मैं इंडिया से हूं तो मैं इंडिया भी डाल सकता हूँ केवल, या फिर आप अपना पूरा एड्रेस डाल सकते हैं, कोई भी ज्यादा यहाँ पे इमरजेंसी नहीं है, आप पूरा एड्रेस डाल दीजिएगा। फिर ठीक है, यहाँ पे आपको कंट्री सेलेक्ट करना है, कंट्री मेरा इंडिया है तो मैं यहाँ से इंडिया सेलेक्ट कर लूंगा। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे अपना स्टेट सेलेक्ट करना है, तो मेरा दिल्ली है तो मैं दिल्ली यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ। फिर यहाँ पे सिटी भी आपसे पूछ रहा है तो यहाँ पे सिटी भी आपको अपना सेलेक्ट कर लेना है। फिर आपको पिन कोड पूछ रहा है तो पिन कोड आप अपना यहाँ पे डाल दीजिएगा, सॉरी मेरा ये नहीं है ये है तो मैं डाल देता हूँ। फिर आपके पास मोबाइल नंबर डालने का ऑप्शन है, ये ऑप्शनल है, जो चीज ऑप्शनल हो आप उसे छोड़ सकते हैं। फिर यहाँ पे कंटिन्यू का ऑप्शन इस पे क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों आपके सामने ये तीन ऑप्शन ओपन होंगे, सेल डोमेन, नेमिंग कॉन्टेस्ट और लोगो कॉन्टेस्ट, ठीक है। तो सबसे पहला ऑप्शन जो है वो सेल डोमेन का है। अगर जो आप किसी वेबसाइट पे जाते हैं वहां पे डोमेन 100-200-500 रुपए का बाई करते हैं और उसको इस वेबसाइट पे सेल करना चाहते हैं तो लाके उसको महंगे दाम में यहाँ पे सेल कर सकते हैं। इसमें आपका लॉस भी जा सकता है, इसमें आपका फायदा भी जा सकता है, लेकिन मोस्टली फायदा ही जाता है, लॉस कम जाता है। बट आपको वहां पे ये देखना रहता है कि भाई कोई बेटर जो डोमेन है वही मैं बाई करूं। तो वो अगर जो आप बाई कर लेते हैं तो आप यहाँ से सेल करके अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं। इसमें आप प्रॉफिट अगर जो देखेंगे दोस्तों, तो एक डोमेन अगर जो आप 500 रुपए का बाई करते हैं तो यहाँ पे 5 लाख या 5 करोड़ का भी सेल कर सकते हैं। जैसे अगर जो कोई सेलिब्रिटी के नाम पे आप डोमेन बाई करे हैं और उसने अगर जो पहले से ही डोमेन जो है वो रजिस्टर नहीं है तो आप उसका ज्यादा पैसा यहाँ पे चार्ज कर सकते हैं। उसके लिए बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियो आप देख सकते हैं कि कैसे कैसे लोग यहाँ से अर्निंग कर रहे हैं, ठीक है। सेकंड ऑप्शन यहाँ पे नेमिंग कॉन्टेस्ट, नेमिंग कॉन्टेस्ट जो है दोस्तों वो पार्टिसिपेट इन नेमिंग कॉन्टेस्ट बट साइन अप फीस जो है वो $10 आपका यहाँ पे पड़ेगा। नेमिंग कॉन्टेस्ट जिसके लिए
यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ कि नेम टाइपिंग जॉब है यहाँ पे, तो वो चीज आप यहाँ पे पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो $10 फीस आपको देना पड़ेगा। और थर्ड यहाँ पे है लोगो कॉन्टेस्ट। अब यहाँ पे भागिएगा मत कि $10 कौन देना चाहेगा यहाँ पे भाई, कौन देगा, क्योंकि ये वेबसाइट जो है बहुत ही ट्रस्टेड है और यहाँ पे अगर जो आप काम करते हैं तो आप एक अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं। फिर यहाँ पे सेव प्रेफरेंस का ऑप्शन है तो इस पे क्लिक कर देना है और ये जो पूरा डाटा है आपका सेव हो जाएगा। फिर यहाँ पे गो टू माई डैशबोर्ड का ऑप्शन, इस पे क्लिक कर देना है, आप अपने डैशबोर्ड पे चले जाएंगे। यहाँ पे दोस्तों अगर जो आप ये सोच रहे हैं कि क्या यह वेबसाइट फेक है या सही है, तो यहाँ पे मैं आपको 100% शेयर कर देता हूँ कि ये वेबसाइट ट्रस्टेड है। आप यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं $10, या फिर आप पहले लोगो कॉन्टेस्ट को ज्वाइन कर सकते हैं, वहां से फिर बाद में आप इसका जो नेमिंग कॉन्टेस्ट है वो भी ज्वाइन कर लेंगे जब वहां से आप कुछ अर्निंग कर लेंगे। तो अब यहाँ पे कॉन्टेस्ट ज्वाइन कैसे करना है वो मैं आपको सिखा देता हूँ। तो इसके लिए यहाँ पे कॉन्टेस्ट वाला ऑप्शन है, इस पे ले जाना है। यहाँ पे माई कॉन्टेस्ट सबमिशन का ऑप्शन है, माई कॉन्टेस्ट एक्टिव कॉन्टेस्ट है और एंडिंग सून है। तो यहाँ पे एक्टिव कॉन्टेस्ट का ऑप्शन है, इस पे क्लिक कर देना है और यहाँ पे जो भी एक्टिव कॉन्टेस्ट होगा, जो भी आप नेमिंग से रिलेटेड होगा या फिर लोगों से रिलेटेड, वो सभी आपके सामने ओपन हो जाएंगे। तो यहाँ पे 42 कॉन्टेस्ट अभी मेरे सामने है, तो यहाँ पे ये जो अगेंस्ट टू मी ये वाला कट कर देना है। फिर यहाँ पे पेंडिंग विनर जो है वो भी आपको कट कर देना है, केवल जो एक्टिव कॉन्टेस्ट है वही आपको यहाँ पे ओपन रखना है। तो यहाँ पे जैसे देख सकते हैं नेम और द क्लोथिंग एंड फैशन ब्रांड, इनको एक फैशन ब्रांड से रिलेटेड नाम चाहिए, इसके लिए ये $135 चार्ज कर रहे हैं, मतलब $135 आपको देने वाले हैं, ठीक है। और सेकंड यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों नेम फॉर ये कैबिनेट रिपेयर सर्विस, मतलब डोर रिपेयर सर्विस के लिए किसी को यहाँ पे लोगो चाहिए। यहाँ पे देख सकते हैं लोगो है, ब्रांडिंग इनका नाम भी चाहिए, लोगो चाहिए, दोनों के लिए यहाँ पे $300 ये पे करने हैं। और यहाँ पे गारंटीड जो प्राइस होता है दोस्तों, इसमें आपको 100% $300 मिलने वाले हैं। अब यहाँ पे नॉट गारंटीड जो प्राइस होता है उसमें आपको थोड़ा कम ज्यादा भी हो सकता है, जैसे उसको अगर जो नाम का आपका वैल्यू जो है वो $300 से कम लगेगा तो $300 से कम देगा, लेकिन यहाँ पे जो है वो $300 आपको पूरा पे करने वाला है। लेकिन आप यहाँ पे इनका जो पैकेज लेते हैं $10 यहाँ पे डाल देते हैं तभी आप यहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। फिर नीचे आएंगे तो सब कुछ देख सकते हैं कि नेम कंपनी क्या है क्या है, तो यहाँ पे आके ये सब चीज चेक कर सकते हैं, ठीक है, और इसमें जाके पार्टिसिपेट भी कर सकते हैं। अब दोस्तों अगर जो आप यहाँ पे पार्टिसिपेट के लिए अवेलेबल रहेंगे तो आप यहाँ पे नीचे आएंगे तो यहीं पे आपको एक सबमिट का ऑप्शन आएगा, उसी में आप अपना नाम सबमिट कर सकते हैं। नीचे आएंगे तो यहाँ पे कॉन्टेस्ट स्टेट्स जो है वो चेक कर सकते हैं कि कितने लोगों ने यहाँ पे सबमिट किया है, कितने लोगों को यहाँ पे मतलब एक्टिव है, कितने लोग करेंटली एक्टिव है, कितने आप नंबर आप पार्टिसिपेट हैं, सब कुछ यहाँ पे दिखाया गया है। तो आप यहाँ पे आके ये सब कुछ चेक कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए सबसे पहले आपको जो मैंने बोला है कि आपको इसका जो प्राइस है वो लेना पड़ेगा। अब उसके अलावा दोस्तों आपको यहाँ पे ये वेबसाइट क्या क्या फैसिलिटी देती है, तो नीचे आएंगे टूल्स का ऑप्शन है तो देख सकते हैं बिजनेस नेम जनरेटर का जो ऑप्शन है, यहाँ पे जाके आप खुद का बिजनेस का नेम यहाँ पे जनरेट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे एक कॉन्टेस्ट आपको चल रहा है, अब उस बिजनेस का नेम जो जनरेट करना वो यहाँ से आप खुद आइडिया ले सकते हैं, क्योंकि आपके माइंड में तो पार्टिकुलर आएगा ना आइडिया कि इस कंट्री के लिए पार्टिकुलर इस बिजनेस के लिए कौन सा नाम सुटेबल होगा, तो आप यहाँ से वो नाम जनरेट कर सकते हैं। तो नेम योर बिजनेस 3 easy steps, यहाँ पे क्या क्या स्टेप है वो यहाँ पे चेक कर सकते हैं और पढ़ करके यहाँ पे नेम अपना जनरेट कर सकते हैं। और इसके अलावा दोस्तों आप चैट GPT का भी यूज कर सकते हैं अपना नाम यहाँ पे ढूंढने के लिए, तो दोनों ऑप्शन बेटर है। आप यहाँ से भी इसका भी यूज करके नेम जनरेट कर सकते हैं और यहाँ से भी चैट GPT से भी आप बिजनेस नेम जनरेट कर सकते हैं। अब दोस्तों आपको ये चीज क्लियर हो गया कि आपको यहाँ पे पार्टिसिपेट कैसे करना है। उसके अलावा यहाँ पे जो भी रेवेन्यू होगा आपका यहाँ पे दिखाई देगा, मंथली रेवेन्यू यहाँ पे दिखाई देगा। अगर जो आप यहाँ पे डोमेन सेल करना चाहते हैं तो उसके लिए यहाँ पे ऐड डोमेन का ऑप्शन, इस पे क्लिक कर देना है और यहाँ पे स्टैंडर्ड का ऑप्शन, एक प्रीमियम का ऑप्शन है, इनका प्रीमियम पैकेज लेते हैं तो अलग से आपको यहाँ पे कुछ फैसिलिटी मिलेगी। स्टैंडर्ड डोमेन अगर जो सेल करना चाहते हैं तो स्टैंडर्ड में जाके अपना डोमेन ऐड कर सकते हैं और यहाँ से सेलिंग कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे सेल्स एंड ऑफर दिखाई दे रहे हैं, जो भी ऑफर सेंटर है सेल्स ट्रांसफर है तो वो यहाँ पे दिखाई देंगे। सेटिंग के ऑप्शन में जाके आप अपना पूरा सेटिंग चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे आपका जो भी है SEO सेटिंग से रिलेटेड कुछ यहाँ पे है। उसके अलावा यहाँ पे डाटा इनसाइड, मतलब आपका यहाँ पे पूरा डाटा से रिलेटेड जो भी है मार्केट प्लेस इनसाइड AI डोमेन जेड गैरेदार, तो वो सब कुछ यहाँ पे दिखाई देगा। तो ये चीज जब आप बहुत ही एडवांस में जाएंगे, इनका प्रो वर्जन में जाएंगे तब आपके काम आएगा। फिर यहाँ पे अकाउंट में विड्रॉ कैसे लेना वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे कॉन्टेस्ट के ऑप्शन पे जाएंगे दोस्तों, तो यहाँ पे आपका जो भी कॉन्टेस्ट है जिसमें सबमिशन दिए होंगे वो दिखाई देगा। माई कॉन्टेस्ट में आपका पूरा आपका कॉन्टेस्ट दिखाई देगा। एंडिंग सून में जो कॉन्टेस्ट एंड हो गया वो दिखाई देगा। उसके अलावा विनर में जाके आप विनर भी दे सकते हैं कि कौन कौन विनर है। फिर यहाँ पे ट्रांजेक्शन का ऑप्शन है, तो यहाँ पे माई अर्निंग के ऑप्शन पे जाएंगे तो आपकी पूरी अर्निंग दिखाई देगी। उसके बाद यहाँ पे पेआउट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे जितना भी पेआउट होगा वो दिखाई देगा। माई कॉइन्स के ऑप्शन में आपका कॉइन्स दिखाई देगा। यहाँ पे कुछ कॉइन्स का भी ऑप्शन है, वो शायद मुझे पता नहीं है, मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, बट यहाँ पे जितना मुझे पता था वो मैंने आपको बता
बता दिया। फिर बिलिंग हिस्ट्री है, यहाँ पे माई पॉइंट का ऑप्शन है, उसके बाद एड फंड के ऑप्शन पे जाएंगे दोस्तों, तो आप यहाँ पे फंड अपना एड कर सकते हैं जो $10 का ऑप्शन है। यहाँ सेटिंग वाले ऑप्शन पे जाने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे अकाउंट डैशबोर्ड है, आपका पूरा डैशबोर्ड दिखाई देगा, अकाउंट डिटेल, नोटिफिकेशन सब कुछ है। तो अकाउंट डिटेल में जाके आप अपना अकाउंट पूरा सेटअप कर सकते हैं, जो भी आपका यहाँ पे है पेमेंट से रिलेटेड वो भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे ऐड पेमेंट मेथड पे अपना पेपाल आप सेलेक्ट कर सकते हैं, पेनीर दो मेमेंट है यहाँ पे है, तो आप पेपाल पेनीर में किसी में भी विड्रॉ ले सकते हैं। मान लेता हूँ आपको पेपाल में लेना, तो यहाँ पे आपको सेट पेमेंट मेथड का ऑप्शन इस पे क्लिक कर देना है, और यहाँ पे आपको जीमेल आईडी अपना यहाँ पे ऐड कर देना है। जैसे लॉग इन करना है, लॉग इन इन विद पेपाल, तो आप यहाँ पे पेपाल को अपना लॉग इन कर लेंगे, यहाँ से इससे अटैच कर लेंगे, और जो भी आपका पैसा होगा आपको यहाँ से विड्रॉ कर दिया जाएगा। तो यही पूरा प्रोसेस था दोस्तों। अगर जो आपको $10 का इन्वेस्टमेंट करना है तो ये वेबसाइट ज्वाइन कर सकते हैं। अगर इसमें आपको ये देखना है कि क्या ये वेबसाइट 100% ट्रस्टेड है या नहीं, तो इस बात के लिए मैं 100% श्योर हूं कि ये वेबसाइट ट्रस्टेड है। आप यहाँ पे $10 की इन्वेस्टमेंट करके अर्निंग कर सकते हैं। अगर जो आपको नहीं करना है तो आप फ्री में जाके यहाँ पे डोमेन सेल करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, या फिर आप फ्री में लोगो कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो वो चीज कर सकते हैं। तो आई होप कि दोस्तों आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए दोस्तों तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।